हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार हिंदी बंगला वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपने आधार कार्ड से मोबाइल से कैसे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। फ्रेंड्स, सबसे पहले परिवहन .gov.in उसी वेबसाइट में जाना है। वहाँ जाने के बाद इसी तरह आपका इंटरफेस आएगा सामने, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो मैं थोड़ा आपको स्पीड से बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रिंट तक दिखाऊँगा आप लर्नर लाइसेंस कैसे प्रिंट भी कर सकते हो, तुरंत आपको लर्नर लाइसेंस दे देगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा कुछ इंट्रक्शन आप यह देख सकते हो, ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन से आपका लाइसेंस अप्लाई होगा और ठीक है, कोई RTO ऑफिस में आपको जाने का ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ बता रहा है। सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन में क्लिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। इसमें बता रहा है आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए एक्टिवेट आधार लिंक, ठीक है। उसमें OTP आएगा, यहाँ आपका स्टेट सिलेक्ट रहेगा, आधार नंबर आप यहाँ डाल दीजिए। आधार नंबर यहाँ डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है, उसके बाद एंटर OTP हेयर इसी बटन, मतलब आपका नंबर पे OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे, इसी OTP को यहाँ सबमिट करना है। तो OTP को मैंने सबमिट करा, OTP आ गया है और ये तीनों बॉक्स को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कीजिए, ठीक है। ये देखिए मेरा आधार का जो फोटो है, जो नाम, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया है। पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया है, अलग से उसमें मतलब टाइप करने का ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद आप यह कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है, यह फोटो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यह RTO सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा RTO है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है आप सिलेक्ट करना है, और प्लेस ऑफ बर्थ कुछ डिटेल्स यहाँ फिल करना है। तो मैं थोड़ा स्पीड से फिलअप कर रहा हूँ, कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ आपको फिल करना है। क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट्सअप डालना है, मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, एड्रेस, उसके बाद कौन सा आप व्हीकल का लेना चाहते हो ड्राइविंग लाइसेंस, वहाँ सिलेक्ट करना है और फॉर्म वन पर क्लिक करना है। फॉर्म वन पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, फॉर्म वन पर क्लिक करने के बाद आप सबमिट कीजिए। उससे पहले आप फॉर्म वन बटन पर क्लिक करके वहाँ आप फॉर्म वन फिलअप करना है। पहले क्या था, फॉर्म वन आपको प्रिंट आउट करना था, उसके बाद अपलोड करना था, अभी वो सब नहीं है। वो सब फिल करने के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगा, आप उसको प्रिंट करके रख सकते हो या नेक्स्ट करके, बाकी जो स्टेप रह गया था वो फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ आपको फोटो अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ये देखिए फोटो ब्राउज उसमें डिसेबल है और सिर्फ सिग्नेचर पे एनेबल है, तो मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया, ठीक है। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए। इसके बाद यह एक वीडियो आएगा, 7 मिनट का, 7 मिनट का वीडियो आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद पेमेंट पेज पे आ जाएगा, पेमेंट आपको करना है, आपका व्हीकल के हिसाब से पेमेंट करना है। तो मैं अपना पेमेंट कर रहा हूँ, फटाफट पेमेंट कर लिया मैंने, आपका पेमेंट OTP आ गया है, OTP बैठा देता हूँ। हाँ, तो इसके बाद देखिए मैंने पेमेंट कर लिया हूँ और फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, LL स्लॉट बुकिंग एक्सेप्टेड, कुछ डिटेल्स एक्सेप्टेड बता रहा है क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन से हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय वेरिफिकेशन RTO लेवल में चला गया है,
ठीक है, ये देखिए कुछ मतलब यह आपको रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल मॉनिटर, क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करना है वीडियो, वो वीडियो देखने के बाद आपका एग्ज़ाम मतलब आ जाएगा, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम आप कह सकते हो। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एग्ज़ाम कैसे देना है, लाइव में आपको एग्ज़ाम दे के आप बता रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा एग्ज़ाम का जो स्क्रीन मेरा सामने आ गया है, तो इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी, आप ऐसा में इंग्लिश हिंदी कोई भी रख सकते हो। ये देखिए मेरा एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन का 30 सेकेंड रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए जो सिंबल दिया हुआ है उनका आंसर क्या है बता रहा है, तो मेरा 14 सेकेंड बचा है, मैं इसे नंबर 1 भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंफर्म कर रहा हूँ। तो नंबर 2 क्वेश्चन आ गया है, मैं 2 ही रख देता हूँ। जो मार्क दिया हुआ है वो मार्क आप फॉलो करके आंसर दीजिए। नंबर 10 आएगा आंसर, उसमें से 6 आपको मतलब देना ही है, 6 आंसर आपको पास करना है तो आपका लर्नर लाइसेंस आएगा। तो मैं आगे बढ़ना या दाएं मुड़ना बाध्य गए हैं, मेरे ये 2 नंबर का ही रहने दीजिए। मेरा नंबर 5 आ गया है, क्वेश्चन यह चिन्ह प्रदर्शित करता है रास्ते में पशु होने की आशंका, तो ये होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, लर्नर लाइसेंस प्रिंट तक बताने वाला हूँ, वीडियो को आप स्किप मत कीजिए। ये होगा, हाँ मेरा रिजल्ट आ गया है पास, ठीक है। तो मेरा 6 आंसर करेक्ट हो गया है इसलिए मैं पास हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स आप लर्नर लाइसेंस प्रिंट कैसे करोगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तुरंत आप प्रिंट कर सकते हो लर्नर लाइसेंस। तो पहले 3000 लगभग देने के बाद आपका लर्नर लाइसेंस मिल जाता, वो भी बहुत दिन के बाद, ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद। तो अभी ऐसा नहीं है, सरकार ने बहुत बड़ा कदम लिया है, ठीक है। तो मेरा लर्नर लाइसेंस भी आ गया है, क्लिक टू प्रिंट क्लिक करूँगा और मेरा रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगा, OTP को यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, सबमिट, मेरा लर्नर लाइसेंस मेरा सामने आ गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बहुत आसानी से। फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह आने वाले और भी नए नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक अपडेट लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।